उसकी आँख ना स्वेल हो रही थी एक इस साइड वाली। पीछे ले लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं। चल कौन सा स्टेशन आ गया है? मोबाइल भी छीन के ले जाएंगे। आज भाई को सलमान खान मिले। भाई जा रहा था एकदम से वहाँ पे ना शोर मच गया। सलमान भाई सलमान भाई वहाँ तो चिल्लाता भी सलमान भाई सलमान भाई कर। सो गुड मॉर्निंग गाइज, हम सब नहा लिए हैं और रोहित को देखो, रोहित भी नहा कर आ गया। यार वही परेशान कर रही है। इधर रोमा भी रेडी हो गई है। कैसा लग रहा है रोमा तुम्हें? बस मैं एक्साइटेड हूँ कि बीच में जाने के लिए। मैं बीच में नहीं गई, ये लोग सब होके आ गए हैं, मैं नहीं गई। तुम तो कल सोती रही पूरे दिन, थोड़ा तबीयत डाउन हो गया। देखो यार देखो यार क्या सोच रही है यारो ही। जब यार सो के उठी ना, इसकी आंख ना स्वेल हो रही थी एक इस साइड वाली। ऐसा लग रहा था किसी ने पंच मार दिया। ऐसा लग रहा था चाइनीज है यारो ही। अभी भी इसका थोड़ा फेस सूज सी ना। हाँ ये सोई बहुत है कल। तो आप कहाँ जा रहे हो रोहित? अब तो आप फाइनली करके आओगे आज? देखो अगर पसंद आया। अगर नहीं पसंद आया तो कल नहीं रुकोगे फिर? कोई कल तो चलेंगे मेरे को। रोमा को जाना है कल। हाँ तो रात की तो मेरी ट्रेन भी है। अच्छा फ्लाइट भी। कुपुटा हरे रंग का कुपुटा। तो हमारा दिन तो ऐसे ही जाने वाला है आज पूरा यहाँ पर। तो यार वही को बहुत मिस करूंगा मैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज का दिन नया है और आज मुंबई में बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया। कल तो बारिश का था, आज थोड़ी धूप धूप निकल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे फेस पे भी देख रहे हो बाहर से धूप आ रही है। तो आज का मौसम प्यारा सा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है, मतलब बाहर निकलने लायक लग रहा है। देखो आज अब धूप है, ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छी अच्छा है, चुभने वाली भी धूप नहीं है और अच्छा लगेगा। आज तुम मार्केट जा रहे हो क्या? कौन सी मार्केट? यहाँ पे मुंबई की मार्केट है, देख लो कुछ अच्छा सा मिलेगा तो ले आएंगे ना। ओहो मिली भी लेके आना यार, एक लेके जाओगे यार, एक लेके जाओगे हमारे साथ यार, परेशान हो जाएगा तू, बता रहा हूँ तुझे। लाइटें तो देखने जा रहे हैं प्रिंस, तुम हमारे साथ मार्केट चलियो, यहाँ पे घूमेंगे खाते पीते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ प्रिंस को कि तू यहीं रुक जा, राहुल और मैं चले जाएंगे फ्लैट देखने। यहाँ पर अपना हम तीन, ये तीनों रोमा ये और ये प्रिंस, ये तीनों यहाँ पर लोकल मार्केट देख लेंगे, कपड़े वगैरह लेना, क्योंकि मुंबई के कपड़े मैंने सुना है बहुत अच्छे हैं और ट्रेंडी रहते हैं, तो यहाँ से कपड़े तो और भी अच्छे हैं। भाई तू प्रिंस मेरे लिए भी ले लियो एक आधी शर्ट, मैं अपने लिए भी ले लियो भाई, देख यार वहाँ पर, यहाँ पर सही है, वहाँ पर कुछ नहीं होने का भाई, क्योंकि जहाँ क्योंकि हमारे पास अपनी व्हीकल भी नहीं है, परेशानी है ना। वरना मैं अगर वैसा होता तो इन्हें भी लेके चलता, फिर तो मैं इनको भी दिखाता फ्लैट। जब हम फाइनल कर लाएंगे तो एक बार मैं उषा को दिखा के लाऊंगा कि हमें ये वाला पसंद आ रहा है, उसके बाद हम फाइनल कर लेंगे बाहर से खाना। और क्या क्या आ रहा है तो ब्लैक ब्लैक यार, गुज्जू सोच यार के मैं इतने प्यारे प्यारे कपड़े लाई थी यहाँ पे, लेकिन मौसम इतना खराब हो रहा ना, मैंने पहनाया नहीं इसे, इसे ठंड लग जाएगी। सुबह भी इसकी नाक बंद थी, दवाई डाली इसके यार के मुंह देखकर सो रहा है, जैसे रात चावल खाए हो। चावल खाए थे रात? रात चावल खाए थे आपने? मैं निकल रहा हूँ। अभी निकल चुके हैं घर से फ्लैट देखने के लिए, मैं फ्लैट देखने जा रहा हूँ और युषा और बाकी प्रिंस वो सब जा रहे हैं शॉपिंग वगैरह करने कुछ मार्केट, और आज हम जा रहे हैं ब्लैक वाली टैक्सी जो होती है वो कर लिया हमने भैया, अंकल जी हमारे साथ हैं, तो अंकल जी हमारे साथ हैं आज, आज अंकल जी हमारे साथ ही रहेंगे, लेके जा रहे हैं और वापस भी ले आएंगे। तो बार बार ऑटो ओला करने से अच्छा कि मैंने कहा अंकल जी के साथ ही कर लेते हैं आज पूरा। अंकल जी का स्टेशन है क्या? रेलवे स्टेशन है? रेलवे स्टेशन, ये लास्ट स्टॉप है। हमने कल रात को रात का व्यू देखा था, अब सुबह का व्यू देखते हैं। रात में तो वाकई अंकल जी ठंड लगते हैं यहाँ पर। यार वही बेटा, यार वही देखो कितनी क्यूट लग रही है। तुम चलो चलो लिफ्ट को बुला लेते हैं। यार बेटा यारोही कहाँ जा रहे हो? कहाँ पर हो आप? मुंबई में कुछ शॉपिंग करके आते हैं। इसको बहुत भूख लगी है तो हम। हाँ भाई सबसे पहले तो खाएंगे जाके, मुझे भी लग रही है, तुम्हें भी लग रही है ना। हाँ जल्दी आ जाओ इसमें।
यार वही मस्त चल रही है अपना आराम से। यहाँ पे आके है कुछ खाने का वो वहाँ पे वो खाए यहाँ वड़ा पाव है यहाँ का वहाँ पर वो है बोला है क्या वही खा लेंगे। भाई आज काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है गर्मी भी लग रही है और हमें जानी है इससे आगे लाइट है जो उससे आगे वाली लाइट के लेफ्ट मुड़ना है पीछे ले लेते ये गाइस ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं इससे एक एक राइड राइड छोड़ के अगले वाली पे दिखाना ये छोटे नहीं होना चाहिए आ जाएगा हाँ और ये लगा नहीं जो बंद होगा ना यहाँ से वही सब इनमें से देख लो अगर इनमें शर्मा भाई इसमें मरून निकाल आगे आ जाओ आगे आ जाओ इसमें मरून निकालिए देखते हैं भाई क्या मिलता है यहाँ से। अच्छा पूरे मार्केट में कोई बोल दिया ज्यादा लिया पैसा रिटर्न दे चप्पल यार ये वाली चल रही है आजकल देखते हैं इसका क्या प्राइस है भैया 500 कैसी गंदी हो रही है। नहीं 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 दूसरा पीस लेंगे ना सही है वाला तो 200 में गया ना थर्टी का सर ये आएगा येलो का साइज लगेगा ये सही है वैसे वाला यहाँ पे हम भूल गए ना वहाँ पे एक भी नहीं है उसके पास ये आए अच्छी लग रही है हाँ बढ़िया लग रही है कितने का 350 यार वही कौन सा चाहिए बताओ ये। अभी हम पहले अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं यहाँ पर हमें फ्लैट देखना है लेकिन उससे पहले हम कुछ खा रहे हैं इतना जो ग्रो करे वो आ रहे हैं और आज हम पहली बार ट्राई करने वाले हैं वड़ा पाव मुंबई का और यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट टाइप है जहाँ पर हम कुछ भी खा सकते हैं ले ले चल लगवा ले पोहा भी खाऊंगा यार तो पोहा बड़े लगेंगे भैया वड़ा पाव है एक वड़ा पाव एक पोहा कैसा लग रहा वैसे ये फ्लैट देख रहे हैं अभी हम जो सबसे पहला फ्लैट देख रहे हैं स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है इसका ये बालकनी है इधर हो तुम ये किचन है बट ये फ्लैट स्पेस तो सही है इसका क्योंकि बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है और फुली फर्निश्ड बन रहा है प्राइस भी सही है रूम के साथ बालकनी भी है ये अच्छी और बालकनी का साइज भी सही है अटैच करा रखा है तो बढ़िया लग रही है स्पेस मतलब कम नहीं लग रहा मुझे सही लग रहा है इसमें बट दिक्कत ये है थोड़ा कि ये पूरा फुली फर्निश्ड मिल रहा है हमें और हमें चाहिए सेमी फर्निश्ड क्योंकि हमारा तो भी सारा सामान है ये बिल्डिंग हमें पसंद आई है बहुत लग्जीरियस है और ये इसका क्लब हाउस है और वहाँ पर स्विमिंग पूल है और अंदर चलते हैं क्लब हाउस में सभी स्पोर्ट्स के हैं नहीं ये तो योगा के लिए है सूर्य नमस्कार अभी मैंने ऑलमोस्ट 3 फ्लैट देख चुका हूँ उनमें से मुझे एक पसंद आया है और एक देखने में जा रहा हूँ ये लास्ट फ्लैट है जो आज हम देख रहे हैं और एक मुझे बहुत पसंद आया लेकिन उसका रेंट जो जा रहा है वो 60 के आसपास जा रहा है 65 जा रहा है फिर उसके ऊपर ब्रोकरेज भी है साथ में उसके साथ साथ आपका डिपॉजिट भी है। अब देखो क्या होता है ये फ्लैट बड़ा अच्छा है अच्छा ये अच्छा है सही है। तो गाइस बहुत तेज भूख लग रही है और यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स है भाई खाने की देखो कितनी सारी शॉप्स है कुछ भी खाओ यहाँ का नाम भी खाओ बोली है खाओ खाओ अब देख लो भाई क्या खाना है यहाँ सब कुछ है भाई हर चीज़ है कितनी भीड़ हो रही है और यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे बाहर ही है स्टूल्स लग रखे हैं यहीं पे बैठ के खाना पड़ेगा। तो गाइस अभी गन्ने का जूस बनवाया है बहुत तेज प्यास लग रही है खाओ वाली नाम देखो यहाँ का खाओ वाली यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स है भाई अगर यहाँ कुछ ये भाई परेशान हो गया तो भूख लग रही है इसका काम चला रहे हैं बिस्किट से आ गया हाँ बर्फ के दाम। तो गाइस अभी चलते हैं घर पे
बता दिया ना कहाँ पे जाने। चलो चलो चलो। वही आज ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे ब्लैक देख लिए, उनमें से सिर्फ एक पसंद आया जो आपको मैंने बताया था। बाकी कुछ नहीं खाया यार, सुबह से पूरी हालत हो रखी है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है पचिंगो, इसमें कुछ खाते हैं देखते हैं। कॉफ़ी में कितना टाइम लगेगा? हो गया। सो वैसे अभी हमने ऑर्डर क्या क्या किया भैया? एक तो वैसे सैंडविच है और ये थोड़े से चिप्स उसके साथ फ्री आई है, बाकी एक मैगी और एक कॉफ़ी। अभी हम चल रहे हैं घर के लिए, लेकिन अब आज हमने क्या किया है कि आज हम सोच कह रहे हैं कर ही रहे हैं, अब हम जा रहे हैं लोकल ट्रेन से। अगर आप मुंबई में लोकल ट्रेन का सफ़र नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटा लगने वाला है। जोगेश्वरी से लास्ट स्टेशन में कितना टाइम लगता है? कहाँ जाना है? बिल्कुल लास्ट चर्च, ये ड्राइव वाला स्टेशन, एक घंटे के आसपास लगेगा। पौन घंटा लगेगा वैसे बाई रोड तो 1.5-2 घंटे लगेंगे मेरे साथ। आगे हैं जी स्टेशन, अब यहाँ से लेंगे टिकट और चलेंगे अपना चर्च गेट के। 2 टिकट कितने? ठीक है, कहाँ के लिए? चर्च गेट की। किधर से मिलेगी? 2 नंबर। धन्यवाद, थैंक यू। मात्र 20 रुपये की टिकट मिली है, अभी मैं ऊबर में चेक कर रहा था, 950 रुपये लगते हैं हमारे, अब 20 रुपये में जाएंगे, रात का डिनर फ्री हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, स्पीड से जाम फेस नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये कौन सा स्टेशन आ गया है? मोबाइल भी छीन के ले जाएंगे, लपेट देंगे यहीं पे। फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हमें जहाँ पर हमारा फ्लैट है, मतलब फ्लैट कह रहा हूँ जहाँ पर हमने होटल किया है उसके बस जरा सी दूर, मतलब थोड़ी सी दूरी है स्टेशन। अभी से ही फ्लैट याद आने लगे, फ्लैट हो रहा है रास्ते में। और जब हम रास्ते में थे ट्रेन में थे तो हमें एक कैसा लग रहा है भाई मुंबई? कैसा लग रहा है आपको बोला पहले? लेकिन मुझे बताया इधर जाना है। 2 मिनट का रास्ता है हमारे फ्लैट से, हमारे होटल से। भाई घर आ गया वापसी। राहुल कैसा लगा आज का दिन? सर घूम रहा मतलब सर घूम रहा है क्योंकि भाई ट्रैवल बहुत सारा किया है। ओह माय गॉड, व्हाट अ डकार। मेन रीजन पता है सर दर्द है भाई, हम सुबह से कुछ नहीं खाया था, हमने शाम को 6:30-7 बजे खाया, 6:30-7 बजे कुछ खाया तो पेट में गया, अब थोड़ा सा ठीक है, अब थोड़ा सा सर घूम नहीं रहा है, सही लग रहा है। घर आ गए हैं, यारो को देख लिया, मजा आ गया यारो को देख के, ना यारो की स्माइल देख के खुश में बहुत खुश हुई। खाना भी नहीं खाया है? खाना अभी तो खाया थोड़ी देर पे। खाना क्या खाया? मैगी खाई है, वो मैगी और कॉफी। ओ भाई, और अभी आया यारो को देख के मजा आया, यारो जैसे हमें देखी ना भाई दूध पी रही, दूध पीते पीते आ गई मेरे पास, और फिर राहुल ने लेके रखा उसको बहुत देर तक। आज भाई को सलमान खान मिले भाई, जा रहा था एकदम से वहाँ पे ना शोर मच गया, सलमान भाई। जब वो सारी कार चली गई ना, जब पब्लिक सारी पीछे चली गई खड़ा होता ये भी थोड़ी देर के लिए बाहर गया था मरीन ड्राइव पे। जैसे मरीन ड्राइव पे गया इसमें देखा भाई बहुत एकदम से हल्ला मच गया, क्योंकि वो भाई रोड बिल्कुल क्लियर करा देते हैं पुलिस वालों ने ना, सबको इधर उधर करते हैं कि हट जाओ बस, अभी सब भाग के जाते हैं, लाइट रोक दी थी, अपने खुद ही हैंडल कर रहे थे सब। अच्छा, और जैसे ही पता लगा कि भाई सलमान भाई यहाँ पर सारे एक्टर, मतलब ये मुंबई है भाई, यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट सारे एक्टर ऐसे मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्ट्रेस ऐसे हैं जिनका रुतबा ही अलग है भाई, उनमें से सलमान खान आता है अपन का फेवरेट, मेरा सबसे फेवरेट भाई, मैं होता ना भाई खुश हो जाता भाई देख के, वहां तो चिल्लाता भी सलमान भाई करके भाई, वो पता नहीं चला कौन सी कार में इतनी सारी, तो भाई वो उसमें रहता है रेंज रोवर में रहता है वो हमेशा, व्हाइट कलर की रेंज रोवर है उसके बाद, व्हाइट में। और गाइस हमें एक फ्लैट, मतलब एक फ्लैट हमें ऑलमोस्ट समझ से आ रहा है क्योंकि वो बहुत प्यारा लग रहा है, सोसाइटी बहुत अच्छी लग रही है। बाकी हमने फ्लैट देखे, हम उस फ्लैट उस सोसाइटी में भी गए थे, लोग रहते हैं बहुत सारे, क्रिएटर्स भी रहते हैं, शायद फैजू भी रहता है उसमें, और सोनू निगम भी रहता है उनमें, सोनू निगम भी रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग आए, लेकिन मुझे थोड़ी सी समझ सी नहीं आई यार वो, मतलब पता नहीं क्यों हमें नहीं फील आया, वैसे अच्छी सोसाइटी होगी भाई वो, लेकिन पसंद सी नहीं आई यार, ठीक सी लगी। बाकी कल देखते हैं एक बार युश्रा को और इन सबको भी दिखा के लाऊंगा, और फिर देखते हैं क्या फाइनल करना है, कौन सा अब फाइनल करना है। और जो हमने पसंद आया भाई उसका रेंट 60,000 रुपये है 2 BHK का, 60 से 65,000, मतलब 65 है, देखो डिमांड कितनी, बाकी कितनी करेगा कम,
एक ने दिखाया, वो मांग रहे भाई 60,000 रेंट, 5 लाख रुपए डिपॉजिट, 5 लाख रुपए डिपॉजिट।